ये हमारा फेज है जिसको हमने लाइफ टच किया, अपने को शॉक नहीं लग रहा है। सेम कंडीशन पानी के साथ भी, अपने को शॉक नहीं लग रहा है। दूसरी बात करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन। इसमें एक फेज है, एक न्यूट्रल है। जब भी फेज सिंगल फेज में फेज टू न्यूट्रल आपस में टच होगा, उस कंडीशन में हमारा ऑर्गन सप्लाई बंद हो जाएगा। ये तब तक बंद रहेगा जब तक हम प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर पाते। जैसे प्रॉब्लम रेक्टिफाई करेंगे अपना सप्लाई ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। यदि समटाइम हम बात करते हैं फेज और न्यूट्रल दोनों पानी में कहीं है, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? फेज न्यूट्रल हमने दोनों पानी में डाल दिया, और उस टाइम पे कोई व्यक्ति अगर पानी के संपर्क में आता है तभी भी उसे शॉक नहीं लगेगा। देखिए और ग्राउंड भी है तो ये 360 प्रोडक्शन रहता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से कि किसी भी कंडीशन में शॉक नहीं लगेगा। और आपको डाउट है इसमें तो जिसके बाद उन्हें अपने मैसेज हमारा शेयर किया बस ओके। नहीं नहीं तो बंद बन गया ना भाई साहब, देखिए सिस्टम बन गया, सर्किट बन गया। हमने टच किया, एक एक सिग्नल पकड़ो, हमने टच किया कोई इशू नहीं, वो भी इकट्ठा कर दो, फेज न्यूट्रल टच होगा और ऑर्गन सप्लाई बंद होगा। इसमें कोई स्पार्क नहीं होता जिसकी वजह से फायर होगा ही नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है हमारे घर में कि फेज न्यूट्रल टच होने से या फेज टू फेज आपस में शॉर्ट सर्किट होने से स्पार्क क्रिएट होता है जिसकी वजह से फायर होता है, हजार्ड होता है। कोई चीज़ इसमें नहीं होगा इस सिस्टम को इंस्टॉलेशन के बाद। और कोई क्वेश्चन? नहीं बस ओके। शेफन पावर प्यूरीफायर वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट बुक है। हमने एक 40 वाट का बल्ब लिया जिसको कनेक्ट कर रखा हूँ,